हरि ओम। कौन सी दिवाली बोले आप? भगवान जी रोज बोलते थे ना, रोज दिवाली रोज दशहरा। हर दिवाली मंगलमय थी ही, होगी भी और रहेगी भी, क्योंकि इतना बड़ा धन्ना साईं, इतना बड़ा गुरु, इतना बड़े भगवान जी, उन्होंने गुरु भी नहीं बोला। गुरु है तो चेला भी है, इसलिए नहीं रखा। और हमें क्या चाहिए और कौन सी कामना चाहिए? सिर्फ हमको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, योग करना है, पानी खूब पीना है, और दादा का कहना मानना है, गुनगुनाना, मुस्कुराना। कितना भी गम लगे वो शरीर को है ना, हमें थोड़ी है। ये वचन रख के फिर हम चलें और सबको मुस्कुरा के दिवाली पे विश करें। जो भी फोन आएगा, जहां भी जाओगे, आंखों में आंसू कोई नहीं, गम नहीं, किसी को नहीं बताना। गम ना करो इस दुनिया में, कांटों का हार मिला। शुक्र करो हमको भगवान जी का साथ मिला। शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो। तो अगर छोटी छोटी चीजों में रोते हो तो ना वो लक्ष्मी आती है ना लक्ष्मी दादी आती है, दोनों ही नहीं आते हैं हमारे पास। इसलिए दिवाली के दीपों का दीदार हो और आपके घर में भरपूर सारा, भरपूर खुशियां हो। दीपों का दीदार हो और आपके घर में भरपूर खुशियां भंडार हो। ये है, आओ इस समय दिवाली पर देखो। आजकल आप देख रहे होंगे, हमारा ज्ञान है तो एक आत्मा है, ये शरीर नहीं है। लेकिन मैं जितने भी लोगों से मिली, भगवान जी के लोगों से मिलती हूँ, फिर भी वो लोग बेचारे देह से नहीं उठ पाए हैं। ज्ञान आत्मा का है लेकिन एकदम से नहीं, और फिर ना रिश्ते भी संवर रहे हैं और ना आत्मा में टिक रहे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना पहले इधर लोक का तो इनको पता चल जाए, भगवान जी ने तो बोला मरो मिटो झुको सब करो, फिर भी मुश्किल क्यों लग रहा है? अभी दीपावली पे सुन लो, इस दीपावली पे अगर हमने जीवन को रोशन करने के लिए, अंतर मन को रोशन करने के लिए क्या करना है? एक मीठा सा भगवान जी का मधुर संदेश दिवाली पर है कि हर बार दिवाली आती है, दिवाली आकर चली भी जाती है, लेकिन वो होली की जैसे आग अंदर ही रह जाती है। तो फिर क्यों, फिर क्या मजा आया? दीवा दोनों जलते हैं, एक दीवा बाहर जलता है और आदमी दूसरों से जलता है, दूसरों के लिए जलता है। एक दीवा बाहर जल रहा है, वो क्या कर रहा है? सबको रोशनी दे रहा है। वो दूसरों के लिए जलता है। जब भी आप दिवाली पे लगाओ आज रात को, देखना ये दीवा दूसरों के लिए जलता है और आदमी दूसरों से जलता है। जो दूसरों के लिए जले वो खुद भी उजाले में है, रोशनी में है, ज्ञान प्रकाश में है, और दूसरों को भी उसमें प्रकाश में लाता है। और जो दूसरों से जलता है वो खुद भी अंधेरे में है और दूसरों को भी अंधेरे में ही रहता रखता है। उसके पास नेगेटिविटी है, उसके पास भगवान जी का ज्ञान नहीं है। वो आए तो चारों तरफ वो मातम फैल जाता है, उसकी ओरा वैसी है, चक्राज खुले ही नहीं। मैंने मिली हूँ इन सब लोगों से, अपने ही सत्संग के लोगों से, लगता था क्यों है, इनके ऊपर कैसे कृपा की जाए कि पहले रिश्तेदारों से इनको, अपने वालों से खुशियाँ मिलें। इस दिवाली पर आज हम दूसरों के लिए क्या करेंगे? कितना प्रेरणादायक हमें ये मिलता है, हमें दूसरों से नहीं दूसरों के लिए प्रकाश रखना है। ये दिवाली का संदेश होना चाहिए ना, दूसरों से नहीं, हम जो दूसरों से जलते हैं वो नहीं, दूसरों के लिए ये वाला दिया बन जाए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का, प्यारे बच्चों, अगर हम इस उजाले में आ गए तो, ज्ञान से नहीं हो तो आज तो निकल जाओ और हम अंधेरे में से निकल जाएंगे।
अंधेरा क्या है? चोरी करना अंधेरा है, झूठ बोलना अंधेरा है, निंदा चुगली करना अंधेरा है, मैं मेरा करना अंधेरा है, सारी ये चीज़ें अंधेरे वाली है ना। तो उजाले के रास्ते पर हमको चलना है आज इस वाली दिवाली पर। भगवान जी के वचन कैसे हैं, ये सब मौज आनंद में गीत गाते आगे बढ़ते चलो, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, आगे बड़ा कदम, मत डरो आंधी तूफानों से, तुम तो मुझसे भी होशियार हो गए हो, बाकी क्या चाहिए, क्या नहीं समझा है, क्या नहीं दिया भगवान जी ने हमको। तुमने एक एक बात में मेरे शुक्राने माने हैं और प्रशंसा की है, पर उससे अधिक तो मैं तुम लोगों के शुक्राने मानती हूँ जो तुमने मुझ स्त्री रूप में आए हुए भगवान को भी पहचान लिया। ये भगवान जी कहते हैं, भगवान को पहचानने वाला तो भगवान से भी बड़ा हुआ ना। अर्जुन ना होता तो गीता कैसे बनती, कृष्ण को सारी दुनिया कैसे पहचानती, ये तो अर्जुन की ही बड़ाई है। इसलिए तो कृष्ण भी मोहित हो गया अर्जुन के पीछे कि हे अर्जुन तुम मेरे परम प्यारे हो। भगवान आए दुनिया में पर यदि कोई ना पहचाने तो फिर जैसा आया तैसा गया, फिर क्या दिवाली, क्या ये, क्या त्यौहार जिसके पास गुरु ही नहीं है। तुम्हारे जैसा भगत अगर ना मिले तो ये आना भी व्यर्थ हो जाता ना, गुरु बनना भी व्यर्थ, भगवान बनना भी व्यर्थ। पर तुम लोगों ने ही मेरा आना सफल किया, जिसके लिए लाख लाख बधाई भलाइयाँ मानती हूँ तुम्हारी, ये भगवान जी बोल रहे हैं। सारी दुनिया को सिखाया है प्रेम करो, दादा की मुरली, प्रेम प्रेम प्रेम, सारी सृष्टि तुम्हारा घर है, कुटुंब है, सारी दुनिया से प्रेम करो। पुरानी वाणी है जो मैं बीच बीच में जो मिलती जुलती हो दिवाली से वो निकाल लेती हूँ पॉइंट उसमें से। तुम तो बेहद के मालिक हो, सारी सृष्टि तुम्हारा घर है, सारी सृष्टि तुम्हारी देह है, सब प्राणी तुम्हारे अंग है, ऐसे ये सब हमें प्यारे लगने चाहिए। ना राग है ना द्वेष है, सबसे मिला हुआ पर रहता है सबसे न्यारा। कमल के फूल जो लक्ष्मी को चढ़ाओगे तो देखो कमल का फूल को देखना ध्यान से आज, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, सब जगह अपना ही दीदार करो, जहाँ तहाँ मैं ही तो हूँ। फिर डर किसका, वैर किससे, क्रोध किस पर, काम किसके लिए, लोभ काहे का, अहंकार किस लिए, मोह किससे, सब विकार द्वेत में दूसरा देखने से आते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ज्ञान, जो हम कभी दोबारा आएंगे ही नहीं धरती पर। सो क्या सीखना है भगवान जी से हमने, पहला हमारा धर्म क्या बनता है, सहयोग देना। इस दिवाली पे यही अपना लें हम, दो तीन चीज़ें रख लो अपनी, सहयोग देना। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, इंसान होकर इंसान के काम ना आए तो क्या फ़ायदा। मंदिर बनाते हैं हिंदू, हिंदुओं का धर्म है, मस्जिद है मुसलमानों का धर्म, गिरजाघर बनाना, चर्चिज़ बनाना है ईसाइयों का धर्म, गुरुद्वारे बनाना सिखों का धर्म, और इंसान का धर्म क्या है, इंसान के काम आना। यही तो दादा का ज्ञान है ना, उन्होंने थोड़ी बोला तुम पैसे लुटाओ, तुम ये करो, सत्कर्म करो, इंसान इंसान के काम आए, ज्ञानी ज्ञानी को उठाए, योगी योगी को उठाए, ना कि उसकी बातों में आके अपना भी पतन कर दे और उसका भी पतन कर दे। सुबह हमने योग करना है और दिन में सहयोग करना है, देखो दोनों चीज़ें कैसे पवित्र बन गई ना। ये नहीं कि मेरे पास इतने पैसे होंगे तब मैं करूँगी, भगवान जी ने क्या बोला, जब भी तुम कुछ करो एक्सपेक्ट नहीं करो, करके वापस आ जाओ, देके सोचो नहीं वापस मिलेगा। तो सहयोग किस बात का, जैसे हम सत्संग में जाते थे तो अगर मैं कार लेके जा रही हूँ तो मुझे वहाँ की दादी जो थी बोलती थी रुको 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 इसको भी लेके जाना, कि जहाँ रास्ते में इसको भी घर आएगा उसको उतार देना रास्ते में कहीं, तो ये सहयोग हो गया। ये भी सीख लें इस दिवाली पर हमें, इसमें पैसा नहीं लगना, एक जने का पेट्रोल लग रहा है दूसरे को सहयोग मिल रहा है। एक उधर भी थी रतन में जाने के लिए, एक ने तो बस लगाई थी बैंड्रा से, वो खुद सत्संग में नहीं आती थी, खाली वो अपना कुछ बिजनेस होगा उसने बस ही लगा दी, ये सहयोग दे दिया। ऐसे ही एक टैक्सी वाला आते जाते किसी संत के सत्संग सुनता था, सुनो कैसे असर होता है, सत्संग सुनते सुनते उसके वो सत्संगी जो भी होते अपनी टैक्सी में आता, बिजनेस नहीं कर रहा था, कईयों को उधर छोड़ता और कईयों को ले जाता था,
बाद में संत को पता चला कि ये तो ना पैसे जाने के लेता था, ना आने के लेता था, ना छोड़ने के, ना ले जाने के। फिर संत ने पूछा, ऐसा क्यों? बोलता, क्यों नहीं करूं? जैसे मैं बोलती हूँ, मैं अपने शरीर की चमड़ी भी दे दूं, जो फायदे भगवान जिससे मिले, परिवार में, उसमें मोक्ष का रास्ता पता चला, लास्ट टाइम करना है, अंतिम जन्म करना है, उसके लिए तो मैं लगी हुई हूँ, मुझे क्या करना जब तक धरती पे जिंदा रखा है तो क्या चाहिए? और ये सब भगवान जी से मिला ना मुझे, इतना अगर सहयोग मिला, कितने लोग गुरु करते हैं, क्या सबको होता है ऐसा? सबका जीवन बनता है, सबके परिवार में जीवन बनता है ऐसा? मोक्ष का, निर्वाण पद का पता चलता है? नाम भी सुना था, निर्वाण क्या होता है, निर्वाण पद, ये कहां सुने थे वह शब्द हमने? इसलिए मैं लगी हुई हूं प्यारे बच्चों, किसी के भी एक दिन में किसी को तो सहयोग मिल जाए मेरा, ऐसे जीवन का क्या फायदा? ऐसा गुरु को निकम्मा गुरु थोड़े करा है हमने कि हम लेटे ही रहे आलसी बन के। लक्ष्मी चली जाती आलसी लोगों के घर से, तो वो टैक्सी वाला क्या करता? जब पूछा तो बोलता, क्यों नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी राह मिली, मेरे बच्चों पर इतना प्रभाव पड़ा, मेरा जीवन बदला सत्संग में आके। मैं अब तुम्हारे लिए 10 लाख का पंडाल तो नहीं लगा सकता, मेरे पास समर्थता नहीं है इसके लिए, सहयोग देने के लिए हजारों रास्ते हैं, तो उसने ये सहयोग का रास्ता ले लिया। एक राजा ने घोषणा की कि मैं अपना जन्मदिन सुबह से शाम 6 बजे तक मनाऊंगा और मैं कुछ दान भी देना चाहता हूँ। एक संत ने क्या करा, सोचा शाम भीड़ लग जाएगी, मैं 3:30 बजे सुबह बैठ जाता हूँ, राजा तो 4 बजे उठा होगा, पता चला एक संत आके बैठा हुआ है, और उसने देखा 5 बज गए, वो संत दिखाई तो नहीं दिया मुझे, और जब सामने आया लास्ट में 2-4 लोगों के साथ, पूछा क्या कर रहा था? बोलता, आप भी दे रहे थे, मैं भी दे रहा था। बोला, तू क्या दे रहा था? बोलता, जैसे ही मैं आया था पीछे लोग थे, मैं उनको सहयोग दे रहा था, तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ, ऐसे करते करते शाम तक मैंने ये दिया, तुमने अपना धन दिया, मैंने ये सहयोग दिया। करने को क्या क्या नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो। और कई लोग कैसे होते हैं, एक बार एक अच्छे घर का आदमी पुराने कपड़े पहन के जा रहा था, तो किसने पूछा, कहाँ जा रही हुई, क्या है? बोलता, सब्जी लेने जा रहा हूँ, सस्ती देते हैं, नया कपड़ा पहन के सब्जी महंगी देते हैं। तो वो मज़ेदार संत था, सत्संगी होगा, बोलता, कटोरा हाथ में ले लो, फिर तो मुफ्त ही मिल जाएगी। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, बोलता, कटोरा ले लो, पुराने कपड़े पहन के। देखो कैसी सोच होती है, तभी अमीर लोगों की सोच अमीर वाली होगी ना, तुम है पैसा भी है लेकिन ऐसे जीना है। सो इस दिवाली पर दादा लक्ष्मी भगवान को खुश कर लीजिए, दूसरी लक्ष्मी भागती भागती आएगी। आप सिर्फ मनन कर लीजिए कि बस दिवाली के दूसरे दिन मेरा मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए, मुस्कुराना है, गुनगुनाना है, दादा का गज वचन लगाना है, और रिश्तों को संवार लो। आत्मा भी नहीं पकड़ी और ये भी नहीं पकड़ा तो फिर दोनों से गए। महाभारत भी भाई भाई की कहानी है, रामायण भी भाई भाई की कहानी है, एक में भाई सहयोग दे रहा है और एक में भाई छीन रहा है। जहाँ छीनना त्याग नहीं होगा, छीना झपटी होगी, वहाँ कैसी दिवालियाँ होंगी, वहाँ कैसा एटमॉस्फेयर होगा? बहुत लंबा बन जाता है, आपको देती रहूंगी प्यारे बच्चों। अभी भगवान जी की वो अष्टावक्र वगैरह नहीं दे रही हूँ, इसमें से हम जो दिन हमारा अच्छा निकल जाए, अभी वो टाइम आया है, लोग बहुत बदल गए हैं, तब वैसा नहीं था समय जब हम भगवान जी से सुन रहे थे। इसलिए क्रोध कैसे शांत करें, खुशियाँ कैसे लाएं, जो एक पल जी सको तो कि बीमार नहीं हो जाएं, कितना कोई आत्मा में टिका रहेगा जब इतना एटमॉस्फेयर घर में बना होगा। तो इस दिवाली पे मज़ा कर लीजिए, कितने लोगों से सुन रहे होंगे मिठाई ऐसी खाओ, ये करो, मैं ये सब बातें नहीं दे रही हूँ आपको, ये आप सुन रहे हो, बड़ों का सुनते होंगे, कितना चैनल भरा पड़ा है, भाव ठीक करो, ये करो, इसी में ही लगे रहेंगे हम।
फिर तो अपना मोक्ष और निर्वाण तो चला गया। मेरे भगवान जी की वाणियाँ क्या हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा गुरु मिलना बड़े सौभाग्य की निशानी है। करोड़ों जन्मों के बाद मुझे मिले होंगे जहाँ हमने हर चीज़ की मनाही है, सिर्फ तेरा मोक्ष है, निर्वाण पद है। तो खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारे आशीर्वाद, आप सारे खुश रहो। आत्मा तो हम हैं ही हैं और हमने आना भी नहीं है, मैं तो प्रॉमिस करती हूँ, आपको भी करना है तो करो। हमको गर्भ में भी नहीं आना है, वापस भी नहीं आना है, भगवान जी के बच्चे हैं, जब तक हैं सबको खुशियाँ मिल जाए, एक मुस्कुराता चेहरा मिल जाए इस दिवाली पर। हरिओम हरिओम हरिओम, वी ऑल लव यू, वी लव यू, यू ऑल्सो लव अस, वी ऑल आर भगवान जी के किसी कोने में भी हैं, हम सारे एक हैं, एक हैं, एक हैं।